हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के तीन मौलिक गुण होते हैं, इनमें तीसरा नंबर जो होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अर्थात आवेश संरक्षित होते हैं। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश की ना तो सृष्टि की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं तो ना ही हम जो ये प्लस और माइनस होता है, ना ही हम इसे बना सकते हैं, ना ही इसे सृष्टि कर सकते हैं, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश के किसी अगर किसी निकाय कोई अगर निकाय निकाय का मतलब हुआ कि कंप्लीट एक सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर मान के चलिए 10 आवेश है, कितना आवेश है 10 आवेश है। अगर इस सिस्टम के दो भाग हो रहे हैं तो आप इन दोनों का योग करिएगा तो दोनों का योग करने पर कितना आवेश आएंगे हमारे पास 10 आवेश आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मान के चलिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। मीन्स आवेश के को हम लोग यहाँ ना खत्म कर सकते हैं, ना ही इन्हें कम कर सकते हैं, ना ही इन्हें बढ़ा सकते हैं। किसी निकाय का टोटली आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, उसमें ना कमी होगा ना ही वृद्धि होगा, और यह तब तक रहेगा जब तक इस पे बाहरी रूप से कोई आवेश ना दिया जाए। अगर जैसे इस पे बाहरी रूप से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो ये बढ़ सकता है, या इलेक्ट्रॉन में से निकाला जाएगा तो वो घट सकता है। बट अगर नहीं दिया जाए, ना दिया जाए ना लिया जाए, तो हमेशा ये संरक्षित होता है। तो शॉर्ट शब्दों में आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश की ना तो सृष्टि की जा सकती है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। धन्यवाद।